अल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 7.4। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। तो कुछ इनइक्वालिटीज गिवन होंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, जिनके हमें सॉल्यूशन सेट फाइंड करने होंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट है 7-2x इज ग्रेटर और इक्वल टू 1। एक्स बिलोंग्स टू एन, यानी एन मीन नेचुरल नंबर। तो जो सॉल्यूशन सेट हम फाइंड करें वो नेचुरल नंबर का जो सेट हो उससे बिलोंग करेगा। सही है। तो अब इसको फाइंड करते हैं। इनइक्वालिटी को नीचे अपनी जगह पे लिखते हैं, 7-2x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1। अब यहाँ पे नेगेटिव 2x है, यानी -2x है, इसको राइट हैंड साइड ऑफ द इनइक्वालिटी शिफ्ट करते हैं ताकि पॉजिटिव हो जाए। सो 8 2x बोथ साइड, 7-2x प्लस 2x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1 प्लस 2x। तो ये 7 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1 प्लस 2x आ गया। अब 1 को लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इनइक्वालिटी शिफ्ट करते हैं, ये पॉजिटिव 1 है तो इसको नेगेटिव 1 बोथ साइड लेते हैं। सो सब्ट्रैक्ट 1 बोथ साइड, 7-1 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1-1 प्लस 2x। 7-1 जब इसको सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, तो इससे 6 आ जाएगा, इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2x। अब एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी है तो लेफ्ट हैंड साइड को भी, जो इनइक्वालिटी का लेफ्ट हैंड साइड है उसको भी 2 से डिवाइड करते हैं, और इनइक्वालिटी का जो राइट हैंड साइड है उसको भी 2 से डिवाइड करते हैं। सो 6/2 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2x/2। तो ये कैंसिल हो गया, 3 इज ग्रेटर आर इक्वल टू x। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, x इज लेस आर इक्वल टू 3। यानी हमारा जो सोल्यूशन सेट होगा वो एक्स इज लेस आर इक्वल टू 3, यानी वो 3 भी हो सकता है, और 3 से जो कम लेस नेचुरल नंबर्स हो वो भी हो सकते हैं। तो 3 से लेस जो नेचुरल नंबर है और देखें आप 1, 2 है, लेकिन यहाँ पे 3 भी इंक्लूडेड है क्योंकि लेस आर इक्वल आया है। सो 1, 2, 3 ये हमारा सोल्यूशन सेट है। इसके बाद सेकेंड पार्ट है, 5x + 4 इज लेस देन 34। एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यूज को फाइंड करेंगे और जो सोल्यूशन सेट आ जाए वो नेचुरल नंबर सेट से बिलोंग करेगा। तो अब थर्ड पार्ट को करते हैं हम। तो थर्ड पार्ट है, 8x + 1/2 इज लेस देन 2x - 1.5। एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी इस इनइक्वालिटी से हम x की वैल्यूज को फाइंड करेंगे, लेकिन वो जो x की वैल्यूज आ जाए वो रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे इनइक्वालिटी को नीचे अपनी जगह पे लिखता हूँ, 8x + 1/2 इज लेस देन 2x - 1.5। तो यहाँ पे 8x + 1/2 है तो 2 को बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड को भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और राइट हैंड साइड को भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 2 × 8x + 1/2, 2 × 2x - 1.5, 2 के साथ कैंसिल हो गया। अब 8x + 1 इज लेस देन 2×2 = 4x - 3। अब जो वेरिएबल है यहाँ पे 4x है, यानी x पार्ट जो है 4x, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इनइक्वालिटी शिफ्ट करते हैं। तो ये पॉजिटिव है, बोथ साइड नेगेटिव 4x लेंगे, तो सब्ट्रैक्ट 4x बोथ साइड, 8x - 4x + 1 इज लेस देन 4x - 4x - 3। तो 8x - 4x, 4x + 1 इज लेस देन -3। अब +1 को राइट हैंड साइड ऑफ द इनइक्वालिटी शिफ्ट करते हैं, तो ये पॉजिटिव 1 है यानी +1 है, तो इसको बोथ साइड सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 4x + 1 - 1 इज लेस देन -3 - 1। 4x इज लेस देन, जब दोनों को ऐड करें तो इससे -4 आ जाएगा, यानी दोनों टर्म्स के साथ नेगेटिव वाला जो माइनस साइन है, तो हम दोनों को रूल्स के मुताबिक हम क्या करेंगे, दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे, लेकिन साइन नेगेटिव वाला यानी माइनस लगेगा। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यूज को फाइंड करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड को भी 4 से डिवाइड करते हैं और राइट हैंड साइड को भी 4 से डिवाइड करते हैं।
सो x इज लेस देन माइनस वन। तो हमारा जो यहाँ पे आप देखिए x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो इसको बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं सॉल्यूशन सेट को, x such that x belongs to real number and x is less than minus 1। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट है, यानी जो हमारे पास जो x आ गया वो क्या होगा, वो रियल नंबर से बिलोंग करेगा लेकिन माइनस 1 से लेस होगा। तो इसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 2 में वो आपने खुद ही सॉल्व करने हैं, सही है। कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज एंड प्लॉट द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। तो फर्स्ट पार्ट है x by 12 is less or equal to 1/4। इसको इसका सॉल्यूशन सेट हम फाइंड करेंगे और फिर उसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, यानी नंबर थ्रू नंबर लाइन शो करेंगे उन जो नंबर से जो इस सॉल्यूशन सेट हमारे पास जो नंबर्स आ जाए उसको नंबर लाइन से शो करेंगे। सो x by 12 इज लेस आर इक्वल टू 1/4। अब 12 और 4 का जब हम LCM फाइंड करें तो हमारे पास 12 आएगा। 12 को बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड के साथ भी 12 को मल्टीप्लाई करते हैं और राइट हैंड साइड के साथ भी 12 को मल्टीप्लाई करते हैं। सो 12 मल्टीप्लाई एक्स बाय 12 इज लेस आर इक्वल टू 12 इंटू 1/4। एक्स इज लेस आर इक्वल टू 3 आर 12। तो x is less or equal to 3, तो इसको अब नंबर लाइन से शो करते हैं। इसको हम नंबर लाइन कहते हैं जिसके मिडल में 0, राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स 2, 3, 4, 5, 6, 7, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स लेते हैं -2, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। x is less or equal to 3, it means 3 भी included है, तो 3 के ऊपर एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं, 3 included है, less or equal to 3, यानी जो नंबर से हमारे पास वो 3 भी हो सकता है, equal 3 भी हो सकता है और 3 से less भी हो सकता है, तो 3 के ऊपर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और इसको शेड करेंगे, it means 3 included है। while x is equal or less or equal to 3, तो 3 भी हो सकता है और 3 से less भी हो सकता है, तो left side पे आप देखें 3 से जो लेस जो इंटीजर्स हैं वो लेफ्ट साइड पे है, तो वो है 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4, -5 अप टू सो ऑन। लेफ्ट साइड पे हम जितना भी मूव करें तो जितनी भी इंटीजर्स है वो 3 से लेस है, तो लेफ्ट साइड हम एक एरो ड्रा करेंगे, इट मींस x इज लेस आर इक्वल टू 3। इसके बाद सेकंड पार्ट है, वो भी आप कर ले, थर्ड पार्ट भी आप कर ले, बिल्कुल इसी तरह से हैं। मैं फोर्थ पार्ट को करता हूं। तो फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, 1/2 इज ग्रेटर देन x बाय 4 इज ग्रेटर देन -2, यानी जो वेरिएबल पार्ट है यानी x बाय 4 है वो लेस है 1/2 से, या 1/2 ग्रेटर है देन x बाय 4 से। इसमें तकरीबन 2 पार्ट है, आप देखें एक है 1/2 इज ग्रेटर देन x बाय 4 और एक है x बाय 4 इज ग्रेटर देन -2। पहले तो इसको अपनी जगह पे नीचे लिखते हैं, 1/2 इज ग्रेटर देन x बाय 4 इज ग्रेटर देन -2। अब इन पार्ट्स को अलग अलग करके लिखते हैं, तो 1/2 इज ग्रेटर देन x बाय 4, x बाय 4 इज ग्रेटर देन -2, यानी यहां पे जो x बाय 4 है 1/2 से लेस है और यहां पे जो x बाय 4 है वो -2 से ग्रेटर है। तो पहले इस पार्ट को सॉल्व करते हैं उसके बाद इस पार्ट को सॉल्व कर लेंगे। तो 4 और 2 का जब LCM ले तो हमारे पास 4 आ जाएगा। अब 4 को लेफ्ट हैंड साइड के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं और राइट हैंड साइड के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं। सो 4 मल्टीप्लाई 1/2 इज ग्रेटर देन 4 मल्टीप्लाई x बाय 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 4 4 के साथ कैंसिल हो गया। अब 2 इज ग्रेटर देन x, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं x इज लेस देन 2,
अब देखिए ये कॉर्नर x साइड पे है यानी x की तरफ है, 2 इज ग्रेटर देन x, यानी 2 जो है x से ग्रेटर है या x 2 से लेस है, सही है। तो अब इस सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं, x बाई 4 इज ग्रेटर देन माइनस 2, 4 को कैंसिल करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड को भी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और राइट हैंड साइड को भी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो पहले इस पार्ट को लिखता हूं मैं, x बाई 4 इज ग्रेटर देन माइनस 2, लेफ्ट हैंड साइड को भी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और राइट हैंड साइड को भी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो x इज ग्रेटर देन माइनस 8। तो यहां पे आप देखें जो इनइक्वालिटी जो इनइक्वालिटी गिवन थी वहां पे x की वैल्यूज 2 से लेस है और माइनस 8 से ग्रेटर है, तो जो नंबर्स है वो 2 और माइनस 8 के बीच में है। तो अब इसको इन नंबर्स को इन सॉल्यूशन सेट को नंबर लाइन से शो करते हैं। इसके मिडल में 0 लेते हैं, राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 and -9। तो x इज लेस देन 2, तो 2 के ऊपर यहां पे 2 रह गया है, 2, तो 2 के ऊपर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, 2 इज नॉट इंक्लूडेड, x इज लेस देन 2 यानी जो नंबर्स है वो 2 से, जो नंबर है वो 2 से लेस है, सही है। तो इसको शेड नहीं करेंगे, अगर हमने इसको शेड किया सो इट मींस देन 2 इज इंक्लूडेड, 2 इंक्लूड नहीं है तो इसको शेड नहीं करेंगे, x इज लेस देन 2 तो हम लेफ्ट साइड यानी आप देखिए लेफ्ट साइड पे जितने भी इंटीजर्स है वो 2 से लेस है, 1, 0, -1, -2, -3, -4 ये सारे इंटीजर्स 2 से लेस है। लेकिन सेकंड कंडीशन को, सेकंड सॉल्यूशन सेट को हम देखते हैं, x इज ग्रेटर देन माइनस 8 सेकंड पार्ट से जो आया है, x इज ग्रेटर देन माइनस 8 यानी माइनस 8 से ये नंबर्स जो है वो 2 से लेस है और माइनस 8 से ग्रेटर है। तो अब माइनस 8 के ऊपर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, इसको भी शेड नहीं करेंगे क्योंकि यहां पे ग्रेटर आर इक्वल नहीं है, जस्ट ग्रेटर है, माइनस 8 इंक्लूडेड नहीं है। अगर हमने इसको शेड किया तो इट मींस देन माइनस 8 इज इंक्लूडेड, माइनस 8 इंक्लूडेड नहीं है तो इसको शेड नहीं करेंगे, इज ग्रेटर देन माइनस 8। तो आप माइनस 8 से राइट साइड पे देखें 2 तक जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे माइनस 8 से ग्रेटर हैं, तो इसके इसको भी मूव करें और इसको भी मूव करें, सो इट मींस x इज लेस देन 2 और x इज ग्रेटर देन माइनस 8, तो ये हमने नंबर लाइन से शो कर लिया। तो ये था पार्ट 4, इसके बाद जो 2 पार्ट्स रहते हैं वो आपने खुद ही सॉल्व करने हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई थिंक दिस मच इज नॉट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।